हेलो 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 सबको। बेटा क्या सभी को गुड मेरी आवाज आ रही है? इवनिंग बेटा सर, वेरी बेटा गुड बेटा इवनिंग। बताइए। बस 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 एक मिनट दे दो, बस हम जरा ओपन मोड स्टार्ट कर लें। ठीक है, अब फिर तुम लोगों के मैसेज पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या तुम लोग। अच्छा चलो इसे खाली कर देता हूँ। बस एक मिनट रुके, कृपया करके। चलो ठीक है, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस सर। अब पढ़ते हैं, तुम लोग क्या कह रहे हो हमसे, देखें भैया। ओके 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 ओके, चलो भैया ऊपर से शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग प्रतिभा, गुड इवनिंग तनिष्का, आई एम फाइन प्रतिभा, गुड इवनिंग दीक्षा। प्रतिभा कह रही है सर यू आर लेट बाय 5 मिनट। यार मेरा नेट नहीं चल रहा था, तुम्हें सही बताएं, क्योंकि हम आज घर पे आ गए जल्दी, तो चलो घर पे घर से क्लास ले ले, टाइम तो छूट गया, तो बड़ी देर में नेट कनेक्ट हुआ है। बेटा गुड इवनिंग सर। दीक्षा क्या कह रही है, इंटरनेट आज इंटरनेट डे है क्या? अच्छा इंटरनेशनल योगा डे है, ओके सेम टू यू। गुड इवनिंग बेटा तनिष्का, गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग। सर आपका ऑडियो एज वेल एज वीडियो लैग कर रहा है। लैग कर रहा है कुछ? अच्छा शैलजा गुड इवनिंग, गायत्री गुड इवनिंग, आई एम फाइन। पॉलीमर चैप्टर खत्म कर लिया तुमने? तनिष्का आई एम गुड, वंशिका गुड इवनिंग बेटा, गुड यस सर, इवनिंग हमने गुजरात, पॉलीमर गायत्री खत्म कर आज भी दिया। बताता है। अच्छा यार मेरे से पता वो होता नहीं है योगा, प्रतिभा ना मेरे से योगा होगा ये सब चीजें, मतलब करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट योगा होगा। चलो भैया तो ऐसा करते हैं, देखो जैसा कि मैं तुम लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि एक चैप्टर और बचा है, थोड़ा सा कष्ट और सह लो, उसके बाद हम क्या करेंगे सारे क्वेश्चन हम लोग अच्छे से लगाएंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लीजिए। क्या अभी आपका वीडियो दोबारा भी ब्रेक लाइव कर हुआ देंगे? अब क्या हो रहा है? सर, अभी आपकी वीडियो भी और ऑडियो दोनों ही लाइव हुआ था। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तनिष्का समझ गया, अभी देखो सब सर अभी भी हो रहा है। यस अभी भी है। सर, रुकना एक सेकंड, रुकना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, देखो अब आ रही है आवाज क्लियर? यस सर। यस सर, अब आ रही है। यस सर। चलो ठीक है, तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अगर कहीं कोई दिक्कत तो बताना। तो यार आज हम लोग चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 6, जिसे तुम लोग मेटलर्जी के नाम से जानते हो, उसका पूरा नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है? और ये लास्ट चैप्टर है, बस इसके बाद हम लोग जितने भी चैप्टर लोग कंप्लीट कर लिए उनके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद देखते हैं क्या करना, ठीक है? तो लिखो चैप्टर कौन सा अपने पास, जनरल प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल एंड एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, ठीक है? आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। चैप्टर का नाम याद करने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि चैप्टर का नाम याद नहीं रहेगा, या फिर यार शॉर्ट फॉर्म में इसे
किस नाम से जानते हैं, मेटलर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मेटलर्जी याद करो, बहुत बहुत सिंपल सा बढ़िया सा नाम है, ठीक है। और जनरली बेसिकली हम लोग आज करेंगे क्या, आज हम लोग इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में है क्या। क्लासिफिकेशन के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ओर्स क्या होते हैं, ठीक है, ओर्स देखेंगे एंड मिनरल्स देखेंगे क्या होते हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम लोग आज स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम डाल दो, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ, फिर से लिंक कर रहा है को यार, अभी सही है? यस सर, यस सर। तो चैप्टर का नाम बड़ा जल्दी से डाल लो, हाँ चैप्टर का नाम जल्दी से डालिए, जनरल प्रिंसिपल मेटलर्जी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन। तो बेटा देखो मतलब क्या है इस चैप्टर का, पहले तुम एक बात समझ लो कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग बेटा लोहे का बहुत सारे एलिमेंट, मतलब मेटल देखा होगा, लोहे की सरिया देखी होगी, ठीक है, और हम लोग स्टील तुमने देखा होगा, हमारे गेट दरवाजे वगैरह हम लगा रहता है, या फिर कई सारे और भी जिनके बर्तन बनते हैं, तांबा पीतल लोहा, ये सब चीजें कई सारी चीजें देखी होंगी। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, क्या सरिया इसी फॉर्म में जमीन में गड़ी हुई है? क्या आज किसी का घर बनना है, उन्होंने कहा क्या सरिया खरीदो, तो खरीदने की जरूरत नहीं, जाओ वहां से निकाल लो सरिया, नीचे गड़ी जमीन निकालो, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब जो भी आप मेटल यूज कर रहे हो बेटा, जो भी आप एलिमेंट यूज कर रहे हो, किसी ना किसी फॉर्म में तो होगा, बताओ। Yes, sir. जैसे कि आपको बहुत भली भांति पता है, यार थोड़ी देर, अच्छा देखो यार पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे होना तो नहीं चाहिए, बट अगर कहीं पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो बताना, ठीक है। अरे ये क्यों बंद हो गया, ठीक है, अगर कहीं पे बिल्कुल ही आवाज ना आए तो मुझे बताना, नहीं तो थोड़ा सा अगर आज कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो बेटा, एलिमेंट्स जो होते हैं बेसिकली, आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। एलिमेंट जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, या तो एलिमेंट्स आपके किस फॉर्म में होंगे, मेटल्स की फॉर्म में होंगे, ठीक है, या तो ये किस फॉर्म में होंगे बेटा, मेटलॉइड की फॉर्म में होंगे, ठीक है, या तो ये मेटलॉइड की फॉर्म में होंगे, और या फिर आपके एलिमेंट्स जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, नॉन मेटल की फॉर्म में होंगे, नॉन मेटल्स की फॉर्म में होंगे। एलिमेंट्स आपके तीन ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो मेटल की फॉर्म में, या तो नॉन मेटल की फॉर्म में, या फिर मेटलॉइड की फॉर्म में। अब बात यार ये है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने फ्री स्पेस में मिलते हैं, ठीक है, मतलब फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे आपकी हम बात करें, प्लेटिनम हो गया आपका, गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया आपका, यार ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। फ्री स्टेट का मतलब क्या, कि ज्वेलरियां गड़ी हुई है जमीन के अंदर, नहीं, मतलब गोल्ड गोल्ड की ही फॉर्म में पाया जाएगा, इसके ओर्स ना के बराबर है, ठीक है, इसके जो ओर्स होंगे जो मिनरल है ना के बराबर है, ठीक है। देखो हाँ हाँ ठीक है, मतलब आपके जितने भी ये प्लेटिनम, नहीं हम बेटा मेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं ना जनरली लोग, तो जो आपके मेटल्स हैं वो क्या है, ये कुछ ऐसे होते हैं जो आपके फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, कुछ होंगे जो कंबाइन स्टेट में पाए जाएंगे। तो जिसमें से आपका जो प्लेटिनम सिल्वर गोल्ड है, ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ये फ्री स्टेट में, मतलब जैसा आपको गोल्ड दिख रहा है वैसे जमीन में होगा, और लेकिन आपको जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, ठीक है, वैसा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। एक सेकंड रुकना, किसी को पता बेटा गोल्ड किस फॉर्म में पाया जाता है? गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट होता है, पहली चीज, गोल्ड जो है वो इतना सॉफ्ट होता है कि जैसे आटे की लोई को आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, वैसे आप गोल्ड को भी ऐसे ऐसे कर सकते हो, मींज सकते हो आपस में, ठीक है। तो कहने का मतलब है फिर ये हम लोग ज्वेलरी कैसे बनाते हैं, ज्वेलरी ना, क्योंकि हम लोग गोल्ड के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स को बेटा मिलाते हैं ताकि उसमें थोड़ी सी टफनेस आए, और फिर हम लोग उसे ज्वेलरी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये जो आप 24 कैरेट का सोना खरीदते हो वो भी 24 कैरेट का नहीं है, उसमें भी थोड़ा बहुत मिलाया जाता है, बट वो मिलाना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ओरिजिनल जो गोल्ड है वो आप यूज ही नहीं कर पाओगे, स्पंज टाइप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। देखो तो कहने का मतलब यह है कि मेटल्स बेटा जो होंगे वो जनरली हम लोग मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो दो टाइप में पाए जाएंगे, या तो बेटा मेटल्स आपके फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, या तो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे मेटल्स, या फिर कंबाइन स्टेट में पाए जाएंगे, ठीक है। जो आपके मेटल्स हैं या तो फ्री स्टेट पाए जाएंगे या फिर कंबाइन स्टेट में पाए जाएंगे, इतनी बात भी आपके समझ में आ गई होगी। फ्री स्टेट का मतलब जो चीज आपको जैसे दिख रही है उसी फॉर्म में होगी, मतलब ये नहीं कि गोल्ड के साथ कुछ और मिला हो या ऐसा कुछ, है ना। जैसे कि फ्री स्टेट में कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं, एक आपका हो गया एजी यानी कि सिल्वर, एक आपका हो गया एबी यानी कि गोल्ड, और एक हो गया आपका पीटी यानी कि प्लैटिनम, इनके नाम लिख दो, ठीक है बेटा, ये आपका सिल्वर है। अच्छा एक बात आपको पता है कि सिल्वर, हमने आपको पढ़ाया बेटा शायद, आई डोंट नो बट हाँ, सिल्वर बेटा कौन सा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है क्या सिल्वर? बेटा सिल्वर जो है वो एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, जो सिल्वर का इंग्लिश वर्ड है वो सिल्वरी है, ठीक है,
इंग्लिश में सिल्वर को सिल्वर ही बोलते हैं ना कि सिल्वर, सिल्वर एक संस्कृत का वर्ड है, याद रखना ठीक है, तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा, बाकी तुम ना भी रखो तो मेरा कोई घाटा नहीं है। ये अपना दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा वाला अपना गोल्ड, ठीक है, और तीसरा वाला कौन सा? प्लैटिनम। ये है अपने पास प्लैटिनम। और तुम लोगों को मैंने बहुत भली भांति पढ़ा रखा है भैया कि गोल्ड सिल्वर और प्लैटिनम इन्हीं को हम लोग इनर्ट मेटल भी बोलते हैं, याद आया? Yes, sir. Because they do not react with atmosphere. क्योंकि ये रिएक्ट करते नहीं है, इनके ऊपर ऑक्साइड की सुपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ती नहीं है, और इसीलिए सालों साल तक एक जैसे होते हैं, और इसीलिए इतने महंगे, इसीलिए इनकी ज्वेलरी भी पहनते हैं, ठीक है। तो फ्री स्टेट में कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं यहाँ पे लिखती है। फिर बात करते हैं कंबाइन स्टेट का मतलब क्या। कंबाइन स्टेट का मतलब जैसे अगर आपको ZN चाहिए, जिंक, जिंक एक मेटल है, बिल्कुल है, ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल नहीं सॉरी, जिंक जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, हाँ बिल्कुल सही। अगर हमें जिंक चाहिए तो हम जिंक किस फॉर्म में मिलेगा, तो आपको जिंक जिंक ब्लेंड की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। आप क्या लिखोगे? जिंक ब्लेंड, यानी कि इसका फॉर्म क्या होता है? ZNS। मतलब भैया जिंक जो है वो ZNS का एक पत्थर आपको मिलेगा जमीन के नीचे, जिसमें से आपको ZN को अलग करना पड़ेगा, सल्फर को अलग करना पड़ेगा, सल्फर की उसके अंदर क्या होगी? इंप्योरिटी होगी, ठीक है। अच्छा, ऐसे अगर हम बात करें कि आपके पास एल्यूमिनियम किस फॉर्म में पाया जाएगा, एल्यूमिनियम आपका पाया जाता है Al2O3 के फॉर्म में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्यूमिना बोलते हैं, एल्यूमिना बोलते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम इस फॉर्म में पाया जाएगा। अगर आपसे बोले कि आपको Na किस फॉर्म में मिलेगा, सोडियम, तो सोडियम NaCl की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट, इसे हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट। तो मतलब ये ऐसे नहीं है कि सोडियम तुम्हें जमीन में, हाँ ऑक्साइड, बिल्कुल सही, मतलब बॉक्साइड मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने होते थोड़े बहुत, ठीक है, वो बता देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सोडियम तुम्हें जमीन में रखा मिल जाए कि भैया एन ए अलग है, सोडियम उठा लो जाके, ऐसा कुछ नहीं होगा। सोडियम कंबाइन फॉर्म में मिलेगा, विच इज NaCl, ठीक है। क्या इतना सबको क्लियर है बेटा? अगर इतना क्लियर है जल्दी से नोट कर लो। यस सर, डन। हाँ जल्दी नोट कर लो सब लोग। अब मुझे बताओ बेटा, ओट्स में और मिनरल्स में क्या डिफरेंस है? क्या मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज ओट्स और मिनरल्स? किसी को पता है कि ओट्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं? ओट्स एंड मिनरल्स, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, पूरी बात तो बोलो, मेटल अकर्स नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। बिल्कुल सही, मतलब कि अर्थ की क्रस्ट में बहुत सारे मेटल्स की कंबाइन फॉर्म जो होती है उन्हें हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल तुमसे कहें कि आयरन, ठीक है, फॉर एग्जांपल आयरन, तो यार आयरन आपका किस किस फॉर्म में होता है? एक तो आयरन आपका Fe2O3 की फॉर्म में पाया जाएगा, आयरन आपका Fe3O4 की फॉर्म में पाया जाएगा, आयरन आपका Fe2S की फॉर्म में पाया जाएगा, FeCO3 की फॉर्म में पाया जाएगा। तो आयरन कई सारी फॉर्म में पाया जा रहा है ना, तो कहने का मतलब मिनरल्स वो होंगे जिस फॉर्म में आयरन एग्जिस्ट करता है पूरी पृथ्वी पे, पूरे अर्थ पे आयरन जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या बोलेंगे? मिनरल्स। बट इनमें से किसमें से आप आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आयरन किसमें से हम निकाल सकते हैं बाहर, उसे आप क्या बोलोगे? उसे आप बोलोगे वो ओर है, ठीक है। आई बस उनमें कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लो, अभी इसमें से 100% नहीं, बट मान लो जैसे मान लो Fe2 ऐसा मान लो बोल रहे लेट, ठीक है, मान लो इसमें Fe का अमाउंट मात्र 0.04% है, तो क्या हम यहाँ से Fe निकालना सही समझेंगे? मान लो यहाँ पे सल्फर जो है वो 99 point something इससे भी परसेंट ज्यादा है, बट Fe यहाँ पे सिर्फ 0.04% है, तो क्या हम यहाँ से Fe निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारा तो नुकसान हो जाएगा बेटा। हम उतने से Fe को निकालने के लिए कितना सारा मटेरियल लगा लें, कितने लोग लगा देंगे, कितनी मेहनत करेंगे, और हमें आयरन कितना मिलेगा? जरा मतलब जितना है का वो आयरन नहीं होगा, उससे ज्यादा अमाउंट हम उसे निकालने में खर्च कर देंगे। तो देखो ध्यान रखना, मिनरल्स का मतलब और जितने भी कोई भी मेटल जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है पूरी अर्थ पे उसे क्या बोलेंगे? मिनरल। और किस वाले मिनरल से आप उसे निकाल सकते हो, उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, उसे बोलते हैं ओर्स। तो मुझे बताओ क्या सारे के सारे मिनरल ओर्स होंगे? क्या सारे मिनरल्स ओर्स कहलाए जाएंगे? बताओ बेटा। सारे मिनरल तो थोड़े ना आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, बट सारे के सारे ओर्स तो मिनरल ही है। ध्यान रखना बेटा, सारे मिनरल्स जो है वो ओर्स नहीं होते हैं, बट सारे के सारे ओर्स जो है वो मिनरल होंगे। क्लियर है इतना? यस सर। बहुत अच्छा आंसर दे दिया। ओर्स हैविंग विद इंप्योरिटीज, ओके, और फॉर द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, मिनरल्स आर नेचुरल मिनरल्स, ओके 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 ओके, भैया ठीक है, मिनरल्स आर ना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। तो इतना नोट करने के बाद आप क्या करो, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डाल दो बेटा, प्यारी से एकदम बढ़िया से हेडिंग डालो, मिनरल्स मिनरल्स, ठीक है, अब हेडिंग डालो मिनरल्स, ओके वंशिका, ठीक है। तो मिनरल्स की डेफिनेशन तो आप लोगों को पता ही, सब लोगों ने चैट बॉक्स में लिखी थी, बहुत अच्छी बात है यार, जो बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी जिन्होंने नहीं लिखी वो लोग भी बेटा यहाँ पे क्या करो, लिखो लिखो
कंपाउंड, द कंपाउंड ऑफ मेटल्स, साथ में नोट करो, दैट अकर्स इन नेचर along with rocky and other impurities are called minerals. ये तो हो गई बात किसकी, minerals की, ठीक। दूसरी हेडिंग डाल देना बेटा ओर्स, ठीक है, तो यहां हेडिंग डालो ओर्स, ओर्स, ठीक है। ओर्स की डेफिनेशन आप सबने लिखी ली ऑलमोस्ट, तो हम बस फॉर्मेलिटी अदा कर देते हैं। लिखो देखो, द मिक्स्ड फॉर्म फ्रॉम विच आ metal can be extracted, a metal can be extracted, ठीक है, extracted, ठीक है, commercially, ठीक है, और profitably is called ores. अच्छा बताओ, मान लो हम चाहते हैं कि हम यार आयरन हमें निकालना है जमीन से, तो क्या हम निकाल सकते हैं आयरन, या उसका एक ऑथेंटिक नहीं निकाल सकते। ध्यान रखो, जितने भी मेटल्स अर्थ में पाए जाते हैं जिस भी देश के अंदर, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के अंदर जो भी अर्थ के अंदर मेटल्स हैं उन पे पूरा अधिकार जो है वो गवर्नमेंट का है, इंडिया की, इंडियन गवर्नमेंट का ही पूरा का पूरा हक है उस मेटल्स पे जो जमीन के अंदर मिलता है। आप उसका एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, भले ही क्यों ना वो आपके घर के ही नीचे हो, उस पे एक क्या कहते हैं डिस्कवरी पे शो नहीं आता है जिसमें वो पता करते हैं कि कहां पे कुछ मेटल दबा हुआ है, वो जाते हैं उनसे बात करते हैं कि आपके घर के नीचे मेटल है, निकालते हैं, शायद पहले तुमने देखा नहीं देखा है, ठीक है। yes, तो, हाँ ठीक है, इंडिया में बट ऐसा है कॉमर्शियली और प्रॉफिटेबली, PROFITABLY, मतलब प्रॉफिट भी होना चाहिए। मैंने तो बताया ना, जैसे फॉर एग्जांपल Fe, मान लो कुछ भी मान लो Fe2O3 या कुछ भी XYZ है, अब मान लो अगर मान लो कि इसमें Fe सिर्फ यार 4% मिल रहा है, 4%, बाकी 96% इसमें परसेंट और इम्प्योरिटीज है, तो हम इससे क्यों निकालेंगे, हमें फायदा भी तो होना चाहिए। और ऐसा पता चले जितने का वो मेटल है उससे ज्यादा हम उसे खर्च कर दें उससे सिर्फ एक्सट्रैक्शन करने में, तो ये भी चीज ध्यान रखना। तो हमने क्या बोला, मेन बात बेटा ये है कि इंडिया के अर्थ के अंदर जितना भी मेटल या फिर मिनरल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हक है, ना कि आपका ना कि हमारा, ठीक है, हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है, ध्यान रखना। और इनफैक्ट आपकी ईमानदारी तो ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के घर के नीचे, किसी के घर के नीचे देगा कोई नहीं, नसीदा कोई नहीं है, बट कायदा ये बनता है कि अगर आपके घर के नीचे मान लो गोल्ड भी निकला है 1 किलो, ठीक है, 1 किलो भी निकला है, तब भी तरीका यह है कि आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें कि मेरे घर के नीचे ऐसा ऐसा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट उसका आपको कुछ ना कुछ मुआवजा भी देगा, ठीक है। बट लोग क्या करते हैं, लालच है ना, लालच क्या करता है कि भैया क्यों दें, 1 किलो गवर्नमेंट को देंगे, अच्छा 1 किलो हम रखे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे घर के नीचे रखा हुआ है। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद बेटा लिखो गैंग, गैंग पार्टिकल्स मतलब क्या होता है बेटा, बताओ तुम्हें तो पता ही है, इम्प्योरिटीज को बोलते हैं, हाँ ठीक है, तो इसमें लिख लो impurities present in ore, ठीक है, are called gang, और हम लोग इसे मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है, गैंग भी बोलते हैं और हम लोग इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैंने मैट्रिक्स लिखा, ठीक है, राइटिंग मेरी तुम्हें पता ही, थोड़ी सी गंदी है, मैट्रिक्स, ठीक है, बस। और जनरली क्या होती है, अर्थ के अंदर की जो इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, अर्थली इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज लाइक क्या क्या हो सकता है, लाइक बेटा सैंड हो सकता है, ठीक है, सॉइल हो सकता है, और भैया ETC भी हो सकता है।
मिलता है, ठीक है, एटीसी बहुत ध्यान देना। चलो इतना लिखो, जल्दी से इतना लिखो भैया, हो गया ना सबका? यस सर। ठीक है, तो चलेंगे आगे, आगे आ जाओ। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको ये बताना चाह रहे थे, जैसे हम आयरन की बात करें, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं आयरन, अगर हम बेटा आयरन की बात करें, फॉर एग्जांपल आयरन की अगर हम बात करें, तो आयरन बेटा, आयरन के बहुत सारे मिनरल्स हैं, है ना, बहुत ही सारे मिनरल्स हैं उसके। जैसे आयरन का एक मिनरल कौन सा बेटा, एक है Fe2O3, इसका कोई नाम बताएगा? इसका नाम है, क्या नाम बताओ? हेमाटाइट। बिल्कुल सही, ठीक है, हेमाटाइट, इसका नाम हेमाटाइट। तो एक मिनरल आयरन का जैसे ये हो गया, ठीक है, और दूसरा हमने कर लिखते हैं Fe3O4, इसका क्या नाम है सर? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, ठीक है, एक मिनरल अपने पास ये देखो मिल गया। ठीक है, एक और देखो, अगर हम लिख दें बेटा 2Fe2O3.3H2O, ठीक है, इसका क्या नाम है? लिमोनाइट। बिल्कुल सही, इसे बोलते हैं लिमोनाइट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लिमोनाइट, जब हम बोलते हैं निमोनाइट। और ऐसे अगर हम लिख दो Fe2, इसका क्या नाम बेटा? आयरन, आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट, बिल्कुल सही, ठीक है, इसे हम लोग आयरन पाइराइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं FeCO3, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे सिड्राइट बोलते हैं, सिड्राइट, ठीक। तो कहने का मतलब बेटा ये है, ये सब और किसकी ओर से? आयरन की ही तो ओर से है, ये वाली चाय ले लो आप, ठीक, ये वाली ओर कह दो, ये किसकी? आयरन की है चाय। इस वाली ओर को आप देख लो, ये भी किसकी बेटा? ये भी आयरन की ओर है। इस पे ध्यान दे लो, ये भी आयरन की ओर है। लेकिन इनमें से यार जिससे हम लोग आयरन को एग्जैक्टली निकाल लेंगे, ठीक है, सॉरी, ये सब आयरन की मिनरल्स है, ठीक है, बट इनमें से एग्जैक्टली ज्यादा अमाउंट में जिसमें प्रेजेंट होगा उससे हम क्या करेंगे? उससे हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसी को हम लोग जनरली क्या बोलेंगे? आयरन मिनरल। फॉर एग्जांपल हेमाटाइट के अंदर जो आयरन है वो बेटा 70% प्रेजेंट होता है, 70% Fe प्रेजेंट होता है किसके अंदर? हेमाटाइट के अंदर। तो हम बोलेंगे कि हेमाटाइट क्या है? आयरन की ओर्स है, और इनमें से जिनमें से हम नहीं निकाल पाएंगे वो हमारा क्या रहेगा? मिनरल रहेगा, बट ओर्स वही होगी जिससे हम आयरन का एक्सट्रैक्शन कर पाएंगे, ठीक है, नोट करो। अब बताओ मुझे कि मान लो हमने एक बड़ा सा जमीन के अंदर से पत्थर निकाला और हमें पता है इस पत्थर के अंदर क्या है? आयरन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल आयरन ले लेते हैं, आयरन जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ? सबसे पहले आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए हमें उस जो भी आपने निकाला उसका क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने मान लो एक पत्थर निकाला जमीन से और उस पत्थर के अंदर खूब सारी मिट्टी लगी है, उसके अंदर आयरन भी उसी के अंदर प्रेजेंट है, सल्फर भी है, कार्बन भी है, काला पड़ा हुआ पूरा, ये सब चीजें, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? कंसेंट्रेशन में सबसे पहले क्या करोगे? धुलाई, वॉशिंग तो करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? हाई प्रेशर से उसे धुलेंगे, सो दैट जितनी मिट्टी धूल धक्कड़ ये सब चीजें ये ऐसे ही निकल जाए, ठीक है, कंसेंट्रेशन तो बिल्कुल सही बात है, बट सबसे पहले क्या करेंगे कि हम उस बड़े से पत्थर को पहले हाई प्रेशर से धुलेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मिट्टी इंप्योरिटी जो है वो ऐसे ही निकल जाए, ठीक है। जब वो उसका पूरा धुल के मिट्टी कार्बन वगैरह जो ऊपर लगा वो ऐसे जब निकल जाएगा, देन उसके बाद क्या करेंगे? उसकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग करेंगे। जब क्रशिंग कर लेंगे, उसकी ग्राइंडिंग कर लेंगे, तब उसे अलग अलग तरीके से फिर सेपरेट करेंगे। अलग अलग तरीके से सेपरेट करने के बाद भी उसके अंदर कुछ ना कुछ बेटा क्या होता है? कार्बन रह जाता है या फिर कुछ ना, क्योंकि यार जमीन के अंदर इतने दिन रहा है तो उसके अंदर गैसेस कौन सी होंगी? सबसे ज्यादा कार्बन ही है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा उसके ऊपर? कोयला, कार्बन, ये सब चीजें होंगी, ठीक है। तो उन्हें हटाने के लिए क्या करेंगे? वेपराइज करते हैं, अलग अलग तरीके के पास है। तो सबसे पहला काम जो है वो है कंसंट्रेशन का। तो आप सबसे फर्स्ट हेडिंग बेटा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, देन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स, देन प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग। बिल्कुल सही प्रतिरूप, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो कंसंट्रेशन, सबसे पहला काम क्या रहेगा अपने पास? कंसंट्रेशन का, ठीक है। अभी जब तुम लोगों को उसके चैप्टर पढ़ाएंगे, अगर मुझे जैसे बच गए ऑर्गेनिक वगैरह के, तब अपने को मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो यार थ्योरेटिकल चैप्टर है, पर क्या करें, अब सिलेबस में है तो पढ़ना तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ देंगे, ठीक है। बट अच्छी बात यह कि तुम लोगों ने हर चैप्टर को एंजॉय लेके पढ़ा है, ठीक है, तुम्हें हर चैप्टर में से चीजें तुम लोगों को पता है, तुम लोग आंसर दे दो, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, देखो लिखो और ड्रेसिंग, ठीक है, और ड्रेसिंग और
benefaction used to remove, ठीक है, earthly impurities like solid silica. क्या फॉर्मूला होता है? SiO2, मतलब जितनी भी डस्ट है उसे निकालना. कंसंट्रेशन बिल्कुल सही, ठीक है, लिखो. या फिर ये तो एक डेफिनेशन हो गई, एक डेफिनेशन आप ले सकते हो जो कि बच्चे ने बताया. क्या? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज नोन एज concentration of an ore. Fifteenth position in the test. बेटा रितिका कौन सा टेस्ट हुआ था अभी आपका? कौन सा टेस्ट हुआ है? बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स. अच्छा कंबाइंड टेस्ट हुआ? यस सर. तो केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आए थे? सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट और पी ब्लॉक आया था. तो पी ब्लॉक तो तुमने मजे दिला दिए होंगे एकदम. क्यों? पी ब्लॉक अच्छे से आता होगा तुम लोगों को. यस. सॉलिड बहुत अच्छे से आती होगी. यस सर. बस ठीक, अपना काम हो गया. बस चलो अभी इस जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़े सब हम लोग क्वेश्चन करेंगे. बस आज ही पहला लेक्चर, दो लेक्चर में और ये चैप्टर पूरा फिनिश, ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन. प्रतिभा सेकंड रैंक है. अरे वाह, बहुत अच्छी बात है. रितिका की 15 था ये, प्रतिभा की. और लोग बताओ भैया, बाकी लोग भी बताओ यार. और लोग बताओ, प्रतिभा की सेकंड है, रितिका की 15 है, और लोग बताएं कृपया करके. उज्ज्वल की 4th है, आयुषी की 8th है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है. कोमल की 7th है. सर अभी रिजल्ट नहीं मिला. रिजल्ट नहीं मिला तो बच्चे रैंक कैसे बता रहे? नो सर. तो फिर रैंक कैसे बता रहे हो तुम लोग? देखो लिखो मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर. तुम लोगों को पता है जो बच्चे तुम में से टेस्ट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं. अच्छा मेल पे आया था, कुछ बच्चों का आ गया, कुछ का नहीं आया, ठीक है. तो उन्हें हमारी तरफ से कुछ ना कुछ एक बढ़िया सा गिफ्ट दिया जाता है, पता है तुम लोगों को. तो इसलिए अपनी परफॉर्मेंस खराब मत करना. नॉट फॉर गिफ्ट, कि तुम्हें गिफ्ट मिलने वाला है इसलिए नहीं, बट यार कितना अच्छा लगता है कि देखो हम एक टेस्ट दे रहे हैं, इतने बच्चों में मेरा सबसे अच्छा नंबर आया, तो एक प्राउड मोमेंट होता है ना, ठीक है. तो इसलिए जो है टेस्ट हम लोग दो खूब अच्छे से और अच्छे अच्छे नंबर लाओ, पढ़ाई करो. करने की अपने को एक ही काम दिया गया, पढ़ाई करना है ना, खूब अच्छे से पढ़ो. तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में बेटा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग उसे धो देंगे. मतलब किसे धो दोगे? किसे धोगे भैया? जो हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड पिकिंग, ठीक है. सबसे पहला काम है धोना और बिनना. आकाश का प्रश्न, आज आकाश आया नहीं क्या? आकाश वेयर आर यू? अच्छा आकाश की फर्स्ट आई है, बहुत अच्छी बात है. आकाश आया नहीं. अगला हम लोग क्या करेंगे बेटा? अगला हम लोग करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है. तीसरा बेटा हम लोग क्या करेंगे? तीसरा हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन. और चौथा हम लोग करेंगे लीचिंग. ठीक है. तो भैया सबसे पहला काम अपने पास है कि अपने पास ओर मिल गई है, अब उसे पहले कूटो, उसे पीसो, धुलो, उसे पीसो, धुलाई करो, कुटाई करो, फिर उसके बाद क्या करेंगे? फ्रोज़ी. अलग अलग मेथड है, एक एक करके समझाते हैं. और जिस हिसाब से तुम लोग आंसर देते हो मुझे ऐसा लग रहा है तुमने पढ़ भी रखा है, ठीक है. जल्दी करो, इतना नोट कर लो. तो हम जब तक हाइड्रोलिक वॉशिंग का डायग्राम ढूंढ लेंगे मेरे पास हो तो. पहले नोट.
नो स्कूल में पढ़ रखा है, कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन लगाएंगे। तुम्हारा तो रिवीजन नहीं हो रहा, तुम्हें दिक्कत ही क्या है, पहले बात तो इस पर डाल देते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th new क्या है, और हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, लेक्चर 01। ठीक, अब इसमें मुझे क्या ढूंढना है, ओके हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाँ ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग का डायग्राम हमें मिल गया। ठीक है, तो तुम लोगों ने जहां तक नोट कर लिया वो बेटा नोट कर लिया था अभी इससे पहले तक का? यस यस सर, बहुत अच्छी बात है। तो अब तुम हेड करो हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है, हेडिंग डाल दो हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग रहेगी हमारे पास, क्या हेडिंग रहेगी, हाइड्रोलिक वॉशिंग। सर हमें ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है, कोशिश कर सकते हो, अदरवाइज तुम चाहो तो मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर देखो अगर अपने समझने के लिए कैसा भी बना लो, जरूरी नहीं आप ऐसे ही बनाओ, ठीक है, ऐसा बना लो ताकि आप समझ में आ जाए, बस इससे मतलब और मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बताएंगे आप बेटा हेडिंग पढ़ गई सबकी। अब मेरी बात सुनो, देखो करना क्या है, चलो तुम लोग एक ऐसा डायग्राम ना बना के एक ऐसा डायग्राम बना लो कि अपने ने, हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक ऐसा स्लोप टाइप का बना लिया, स्लोप बना लो या चाहे ऐसे बना दो कोई दिक्कत नहीं है, और हमने एक पंप लगा दिया ऐसे करके जिससे पानी जो है क्या करेगा, सिर्फ बना दिया, ये डायग्राम बना लिया, ये सब मारे तो मतलब ही नहीं, हम तो भूल गए, तुम तो बायो वाले हो तो वैसे भी ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छी होगी। चलो फिर समझो, अच्छा अगर बना लिया समझो, देखो हाइड्रोलिक वॉशिंग बेटा करना क्या है, अपने लोगों ने एक ये क्लासिफायर लिया, इसके अंदर हमने ओर भर रखी, क्या भर रखी, ओर। अब ये ओर क्या करेंगे, हम यहां से गिराएंगे ऐसे करके, ओर यहां पे गिरेगी। ठीक है, ध्यान रखना इसका जो तुम्हारा बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, वो है डेंसिटी का सेपरेशन। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डेंसिटी सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन मतलब अगर तुमने ऐसी ओर ली जिसमें अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल है, कि मेटल मान लो जिसका तुम एक्सट्रैक्शन कर रहे हो मान लो वो हैवी है, ठीक है, और जो तुम्हारे गैंग पार्टिकल है वो कैसे है, वो लाइट है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जब तुम इस क्लासिफायर से उसे नीचे गिराओगे ओर को, ठीक है, और यहाँ पे हाई प्रेशर का पानी आ रहा है, तो उससे होगा क्या कि जो तुम्हारी हैवी ओर है वो तो यहाँ कहीं जम जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो तो मेटल भारी है ना, वो धूल तोड़न जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, और जितनी भी मिट्टी सिलिका और डस्ट जितनी भी वो ऐसे बह के क्या हो गया आगे की तरफ से निकल जाएगी, सिंपल सा बिल्कुल, और कुछ करना नहीं, धुलाई करनी है धुलाई कर दी, बस में सिंपल सा हम लोगों को क्या करना है, हाइड्रोलिक क्लासिफायर में हमें यहाँ पे क्या करना है, ओर को भरना है, और ओर को भरने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे ओर गिराएंगे, फिर हम यहाँ क्या करेंगे हाई प्रेशर का यहाँ से पानी डालेंगे। ध्यान रखना सिर्फ तुम उन्हीं ओर का यूज कर सकते हो बेटा जिनमें डेंसिटी का डिफरेंस है, जिसमें या तो तुम्हारा मेटल हैवी पार्टिकल हो या फिर तुम्हारे गैंग जो है वो हैवी पार्टिकल हो। अगर मेटल हैवी होगा तो गैंग पार्टिकल कैसे होंगे, डेंसिटी का सेपरेशन मतलब एक कम एक ज्यादा, गैंग पार्टिकल हल्के होंगे, जब धुलाई करोगे तो हल्के वाले पार्टिकल आगे निकल जाएंगे और तुम्हारी जो मेटल है वो यहाँ पे ऐसे जमा हो जाएगी, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि तुम्हारे मेटल कैसे हो वो हल्के हो वो आगे चले जाएंगे, जनरली होता नहीं कि मेटल जनरली कैसे हैवी ही होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, डायग्राम खाली अपने समझने के लिए आप बना लो। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे लिखो कि बेटा इसका जो पहला लिखो फर्स्ट क्या है, लिखो बेसिक बेसिक प्रिंसिपल जो है इसका, बेसिक प्रिंसिपल प्रिंसिपल इज डेंसिटी डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस। दूसरा दूसरा यहां पे क्या लिखो, दूसरा लिखो यूजफुल फॉर ओर्स ऑफ हैवी मेटल्स, जनरली हम किसके लिए यूज करेंगे, जहां पे हैवी मेटल्स हो, लाइक कौन कौन से होते हैं मेटल जनरली, लाइक आपका हो गया टिन, हो गया आपका
लेड हो गया आपका और आपका लोया हो गया। लोया जानते हो? आयरन। यस। लोहा, ठीक है। तो टिन हो गया, लेड हो गया और अपने पास क्या हो गया? आयरन, ठीक है। बाकी इसका प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं, क्या करना है अपने को। देखो यहाँ पे हेडिंग बना दो प्रोसीजर, चलो अमेरिकन वाले इसे प्रोसीज्योर बोलते हैं, ठीक है। हम लोग प्रोसीजर बोलते हैं, उनका प्रोसीज्योर, ठीक है, अलग अलग है। देखो भैया सबसे पहला काम क्या है, पहले तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे पास जो जेट होगा ऑफ, जेट ऑफ वाटर इज पास्ड फ्रॉम वन साइड, एक तरफ से हम क्या करेंगे जो वाटर का पंप है उसे हम चला देंगे, ठीक है, एक साइड से, ठीक है, एक साइड से हम क्या करेंगे वाटर के पंप को बेटा चला देंगे। दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, जो क्रश्ड ओर होगी अपने पास, पिसी हुई ओर जो होगी, क्रश्ड ओर, ठीक है, उसे क्या करेंगे पोर्ड फ्रॉम हाइड्रोलिक क्लासिफायर। अभी जो समझाया है बस उसे लिखते जाओ और कुछ नहीं करना, क्लासिफायर, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोलिक क्लासिफायर है उसमें से वो ओर को हम क्या करेंगे इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, हैवी पार्टिकल्स क्या करेंगे बेटा, हाँ ठीक है, इसमें लिखो कि तुम्हारे पास जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, हैवी ओर पार्टिकल लिख लो, हैवी ओर पार्टिकल्स, हैवी ओर पार्टिकल्स आर, या फिर लिखो हैवी ओर पार्टिकल्स गेट्स, हैवी ओर पार्टिकल्स गेट्स सेटल्ड डाउन, जो हैवी ओर पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे सेटल डाउन होंगे, और जो तुम्हारे पास लाइटर गैंग पार्टिकल होंगे, पार्टिकल आर वॉश्ड अप, ठीक है, मतलब वो धुल जाए, ठीक, इतना जल्दी से। सर हाँ बेटा, सर ये डेंसिटी सेपरेशन वाला दोबारा से बता दो। डेंसिटी सेपरेशन का मतलब तुम्हें दोबारा समझा, देखो कौन से एग्जांपल से समझना चाहेंगे आप, नॉर्मल या थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज वाला जो हम लोग यूज करते हैं। देखो डेंसिटी सेपरेशन का बेसिक मतलब समझाता हूं, बेसिक मतलब डेंसिटी सेपरेशन का ये है कि जैसे मान लो आज है पहाड़ी पहाड़ी वाला माहौल, मान है ना तुम्हारे तो वैसे मौसम अच्छा होता है तो मौसम के लिए तो अच्छा करने की जरूरत ही नहीं, मान लो आज मौसम है पहाड़ी वाला। अब मान लो किसने पूछा था क्वेश्चन, क्वेश्चन किसने पूछा था बेटा, आयुषी, आयुषी ने, आयुषी देखो मान लो आज आयुषी का प्लान बन गया कि आज तो भैया पार्टी करेंगे, तो आयुषी ने क्या करा कि एक वो आयुषी हो गई और एक उसकी फ्रेंड हो गई, मान लो ऋत्विका मान लो, चलो अब इन्होंने क्या करा, आयुषी ने क्या करा कि देखो ऐसा करते हैं कि आयुषी ने अपने वाले ग्लास में जो 10 ml बढ़िया सी बढ़िया बढ़िया वाली दारू मिलाई, इतनी 10 ml, ठीक, और बाकी का 90 ml क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, 90 ml क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, 90 ml क्या मिलाया, वाटर। और ऋत्विका क्योंकि पुरानी खिलाड़ी थी, नहीं 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 10 ml कुछ नहीं हुआ, ऐसा करते हैं ऋत्विका ने क्या करा, ऋत्विका ने बेटा 90 ml का पैक बनाया, उसने कहा देखो हमें पुराने खिलाड़ी, तो ऋत्विका ने क्या किया 90 ml का पैक बनाया, ठीक है, और उसने क्या करा 10 ml वाटर मिला दिया, सिर्फ और सिर्फ 10 ml वाटर मिला दिया। अब मुझे बताओ किसके टल्ली होने के चांसेस ज्यादा है, आयुषी के कि ऋत्विका के, ऋत्विका, क्यों, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। भैया देखो 10 ml का मान लो मास निकाला तुमने, 10 ml जो भी तुमने अल्कोहल मिलाया उसका मास निकाला, मान लो मान लो मान लो वो 5 ग्राम निकल गया है, और टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम है 100, ठीक है, अपॉन में डेंसिटी इज इक्वल टू फिर से आ जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। इसमें क्या है, इसमें भी टोटल कितना लेना 90 ml, 90 ml मान लो निकाला कितना है 50 ग्राम निकल के आया, और अपॉन में कितना आ रहा है 100, तो भैया 5 को 100 से डिवाइड कर दो, 50 को 100 से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी, 0.05 के आसपास आएगी, है ना, और ये कितनी आ जाएगी, ये 0.5, ये आधी है 1/2, समझ रहे हो, तो कहने का मतलब डेंसिटी का मतलब समझ गए क्या होगा, डेंसिटी का मतलब, प्रतिभा क्या कह रही है, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी है, ठीक है,
बट एक जैसे मेरा अलग एग्जांपल था, हमने ला थोड़ा सा पार्टी कर दी जाए, ठीक है। तो ध्यान समझ में आया, मतलब कहने का मतलब ये तो बेसिक एग्जांपल है, समझाते क्या है इसका मतलब। ये डेंसिटी का डिफरेंस है, डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, बस बात खत्म। यानी कि जब आपने कभी आपके वो है, हमारे यहाँ तो सूप बोलते हैं, पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, जिसमें पूजा वगैरह में ऐसा सूप एक बड़ा सा ऐसा होता है लकड़ी का, ऐसा करके छठ उसमें चावल वावल करे जाते हैं, है सुना है ना तुम लोगों ने। तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे कि चावल कौन से वाले जिनके ऊपर धान, जिनके बक्कल नहीं लगा होता है यार, छिलका जिनके ऊपर होता है, तो जैसे करते हो तो छिलका कैसा होता है, हल्का होता है। तो दोनों में डेंसिटी का डिफरेंस है, चावल भारी होता है और चावल का जो छिलका होता है वो हल्का होता है। तो जब ऐसे करके सूप ऐसे खड़कते हो ऐसे करके, तो भारी चावल उसी सूप में रहता है, छिलका छिलका सब जो है हवा में उड़ जाता है, इसे बोलते हैं डेंसिटी सेपरेशन। बात खत्म, यस सर, ठीक है। सूप है नवीन के पास है, सूप लो, खत्म बात। नवीन के पास सूप है, छन्नी कह लो, सूप कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो बस वही डेंसिटी सेपरेशन, इतना बेटा जल्दी से नोट करो सब लोग। आयुषी क्लियर हुआ बेटा? थैंक यू सर, यस सर, ठीक है बेटा, ठीक है, इतना करो जल्दी से। हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखा था बताने, बताइए जरा। हाइड्रोलिक फ्लोटेशन, इतना नोट कर लो फिर बताओ मुझे, इतना नोट हो गया क्या? यस सर। चलो अगर इतना नोट हो गया तो अब हेडिंग डालो फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है, रेड वाले से हेडिंग डाल देते हैं, ये सेकंड, इसे फर्स्ट नंबर डाल दे तो भी फर्स्ट तो पड़ेगा, ठीक है। हेडिंग डालो फ्रोथ फ्लोटेशन, बेटा फ्रोथ का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, कपड़े धोते हो तो कपड़े धोते समय बाल्टी के ऊपर जो झाग आ जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन। अब इस फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, कैसे मेटल को बाहर निकालेंगे ये तुम्हें देखना है। तो डायग्राम मत बनाना, पहले मेरी बात सुनो, और पहले तो सब लोग इधर देखो, इधर देखो, करना बस इतना है, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर एक हमने इस टाइप का पंप लगाया जिससे हम एयर को पास कर सके, सो दैट फ्रोथ को जनरेट कर पाए। अरे यार पता नहीं तुम लोगों करा नहीं करा, तुमने ऐसे करके बाल्टी में कभी ऐसे साबुन डाल के खूब ऐसे करके घुमाओ उसका झाग बनता है, नहीं बनता? यस सर, यस सर, यस सर, धुल में आता तुम लोगों को? यस सर, यस सर, अभी जल्दी में सीखा है, तो हमने एक्सपेरिमेंट अभी बहुत जल्दी में करा है, क्योंकि अभी तक तो हम बाहर धुलवा लेते थे, तो हमने सोचा चलो खुद ही ट्राई करें। तो हमने एक दिन अपने आप यहाँ पे कपड़े धोले, इधर ही मेरा वॉशरूम है इधर साइड में, तो हमने उसमें करके ऐसे ऐसे करा तो झाग काफी निकल आया, तो हमें ऐसे पता कि ऐसे करूँ तो ऑब्वियसली वाला आएगा। तो देखो करते क्या, सिंपल से एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या करा, पहले तो हमने वाटर डाला, देखो वाटर डाला प्लस प्लस इसमें बेटा हम लोग पाइन का ऑयल डालते हैं, ठीक है। पाइन का ऑयल क्यों डालते हैं, पाइन का ऑयल डालते हैं ताकि फ्रोथ को जनरेट कर पाए, ठीक है। अब वाटर का काम क्या होता है, वाटर क्या करता है, इम्प्योरिटी को वेट करता है, वाटर क्या करता है, इम्प्योरिटी को वेट करता है। और पाइन ऑयल क्या करता है, पाइन ऑयल जो होता है वो जो तुम्हारी ओर है, ओर के अंदर जो मेटल है उसे क्या करेगा, उसे अपने साथ बांध लेगा, और बांध के जब फ्रोथ जनरेट करोगे तो झाग बनेगा, और झाग के साथ मेटल क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जितनी तुम्हारी इम्प्योरिटी नीचे ऐसे दब जाएगी। फिर क्या करते हैं, इस झाग को हम क्या करते हैं, अलग वेसल में कलेक्ट कर लेते हैं, एक अलग वेसल में ये जो झाग बना, पर ये झाग, इस झाग को हम इसमें से क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद इसमें कुछ स्टेबलाइजर डालते हैं जिससे क्या होता है, एसिड वगैरह डालते हैं जिससे झाग खत्म हो जाता है, मेटल मेटल बचता है उसे निकाल लेते हैं। ये है तुम्हारा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, बात समझ में आई? यस सर, यस सर। और तुमने पढ़ भी रखा है, तुम्हें ज्यादा इतनी कोई टेंशन नहीं होगा। तो इसका डायग्राम अपने मुताबिक हिसाब से बनाना, बस ये ध्यान रखना लेबलिंग बेटा जरूर करनी है, जो ये बातें लिखी है ये तुम्हें जरूर लिखनी है, बाकी तुम कैसा भी बना लो कोई देखने नहीं आ रहा, बस तुम्हारे समझ के लिए है कि किस तरीके से तुम याद रख पाओ उसे, ठीक है। तो इसमें बेटा लिखते जो हम जो लिख रहे हैं, तुम लोग डायग्राम बनाओ उसके बाद लिखो। जनरली किसके यूज करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए, बिल्कुल सही बेटा। किसने बताया था आंसर, प्रतिवन बताया शायद, मोस्टली सल्फाइड ओर आर कंसंट्रेटेड, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। लिखो इसमें, देखो used for sulfide ore of zinc Fe and Pb, ठीक है। जनरली इनके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, हाँ बेटा दीक्षा बिल्कुल सही, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो इसमें, सल्फाइड ओर इज वेटेड बाय ऑयल and moves upward
क्योंकि फ्रोथ हल्का होता है तो कहाँ चला जाता है, ऊपर चलाता है, क्योंकि फ्रोथ की डेंसिटी जो है वाटर से कम होती है, इसलिए फ्रोथ क्या होता है, ऊपर चलाता है। अरे तुम एक बात बताओ बेटा, अगर आप एक ग्लास में पानी ले लो और उसमें तेल डालो तो तुम्हें तेल ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा ना, क्योंकि तेल की डेंसिटी कम होती है वाटर से, तो बस वही है। तो जब तेल को ऊपर रखा फिर हमने नीचे उसमें एयर पास करा घुमाया तो क्या वो फ्रोथ भी बना, फ्रोथ भी हल्का होता है पानी से तो वो भी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो क्या लिखा है, सल्फाइड ओर इज वेटेड बाय ऑयल एंड मूव्स अपवर्ड अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ। ठीक है, तीसरी बात क्या है कि आपके जो गैंग पार्टिकल है, देखो गैंग पार्टिकल, कुछ लोग इसे गैंग्यू पार्टिकल भी बोलते हैं, तो अपने अपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है, जिसे जो बोलना बोल सकता है। गैंग पार्टिकल आर वेटेड बाय द या फिर बाय वाटर, वेटेड बाय वाटर and settle down at bottom of the beaker, सिर्फ bottom में। ठीक है, अच्छा बस ये हमने बात बता भी दी थी। अब इसमें देखो बेटा, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जनरली सल्फाइड और लेते हैं, ऊपर ही लिखा हुआ पहला पॉइंट, तो कौन कौन सा लेते हैं, एक हम लोग C2H को जनरली से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, दूसरा हम लोग जिंक सल्फाइड उठा लेते हैं, ठीक है, तीसरा हम लोग क्या करते हैं FeH2 को उठा लेते हैं, FeH2 को, ठीक है, और हम लोग PB लेड सल्फाइड का भी हम लोग क्या करते हैं एक्सट्रैक्शन से कर लेते हैं। एक तो अपने पास क्या है, एक तो अपने पास कॉपर ग्लैंड, ठीक है, जी लिखा हुआ ऐसे कर लियो कॉपर ग्लैंड, ठीक है, दूसरा जिंक ब्लैंड, क्या है, यह है जिंक ब्लैंड, तीसरा क्या है, तीसरा है आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, और चौथा कौन सा है, चौथा नाम बताओ बेटा, क्या है नाम, गैलिन, ठीक है, लेड सल्फाइड बोल सकते हो या फिर गैलिना के नाम से भी लोग से जान। इतना करो फिर इसका प्रोसीजर लिखने जल्दी से। और बताओ भैया, आज तो यहाँ सुबह सुबह बारिश हो गई, आज सुबह पता क्या, वो मेरी क्लास चली थी यहीं पे बैठ कर क्लास ले रहे थे, और पीछे वाला डोर है वो ऐसे ढक ढक ऐसे हुआ, हम डर गए, हमने कहा भाई साहब घर में तो सिर्फ हम अकेले, डोर कौन खटखटा रहा है, फिर तब तक खिड़की ऐसे खटखट हुई, हम अब तो गए, हमने तो होक खो दी थी, फिर हमें सडनली हवा आई घर से, हमने कहा ओके, मतलब मुझे लगा कि आंधी आंधी आ रही है बाहर, तो फिर वही हुआ, आंधी आ रही थी फिलहाल बाहर, जब सुबह निकले ऑफिस के लिए तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा, बहुत बढ़िया सी मतलब बारिश हुई हल्की मिल्की बहुत छा टाइप की, और जैसे हम ऑफिस पहुंचे धूप निकल आई, पूरा मूड खराब हो गया, अरे मूड का सत्यानाश, तुम आ रहे मजे भैया, तुम्हारे समर वेकेशन हो गया बेटा सबका, हो गया, चलो अब आप हेडिंग डालो, नो सर, अच्छा ठीक है बेटा नोट कर लो, क्या कह रहे बेटा, बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी आपकी नोट पढ़ने हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से अलग हो, आपको बोर्ड के लिए भी यही पढ़ने और आपको कंपटीशन के लिए भी। बेटा एक बात समझो, कंपटीशन और बोर्ड में अलग अलग चीजें थोड़ा ना, बस उसी को डिटेल से पढ़ाना है और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, हम इसी चीज को आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ाएंगे, थोड़ा रुक के पढ़ाएंगे, जल्दबाजी में नहीं, और दूसरी बात हम इसके आपको जितने भी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन करवाएंगे बस। अगर आप अपना टॉप 12th अच्छे से कर रहे हो तो आपको अलग से कुछ थोड़ा ना पढ़ना होता, आप भी कोचिंग करने भी जाओगे तो भी यही तो पढ़ोगे, हम लोग यहाँ पढ़ाते क्या है, हम लोग यहाँ पे जेई मेंस की और जो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं नीट की पढ़ाते, तो यही सब 12th वाला ही, बट उसे थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा उसके बस क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितने भी क्वेश्चन नए बनने की मतलब जो नए तरीके से पूछ देते हैं वो वाले, प्लस आपके प्रीवियस ईयर वाले जितने होते हैं उनकी प्रैक्टिस कराते हैं कुछ, ठीक है, तो बोर्ड में आपको यही पढ़ना है बेटा। अब तो हो गया होगा, हटा दें, या फिर प्रोसीजर, ठीक है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर के अंदर भैया क्या करना है, पहला पॉइंट लिखो इसका प्रोसीजर, फ्रोथ फ्लोटेशन, इसी की बात करना है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड की, ठीक है, इसी का प्रोसीजर लिखना है, लिखो लिखो फाइनली powdered ore is mixed with water। यार तुम लोगों ने डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया? Yes sir।
प्रॉपर इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, ये जो लाल लाल ये सब नहीं, बट हाँ अपने तरीके से अपने समझने के हिसाब से अच्छा सा साफ सा बना लेना, ठीक है। वाटर एंड एंड पाइन ऑयल, पाइन ऑयल का मतलब चीड़ का तेल, ठीक है। चलो चलो अगला लिखो कि जो मिक्सचर होता है, लिखो मिक्सचर इज एजिटेटेड एजिटेटेड विद विद कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर मतलब कंप्रेस्ड एयर से हम क्या करते हैं, उसको पूरा ऐसा करके वॉल्केनो, उसका वॉल्केनो नहीं, वो क्या होता है टॉर्नेडो बना देते हैं उसका, ठीक है, एकदम से खूब तेज से घुमा देते हैं, ठीक है। फिर होता क्या उससे, होता यह है कि भैया जो तुम्हारे ओर पार्टिकल्स, जो तुम्हारे पास ओर पार्टिकल्स राइज टू द सरफेस अलोंग विद फ्रोथ, और क्या होता है, और जो आपके बेटा गैंग पार्टिकल्स, ठीक है, लिखो गैंग बीइंग वेटेड बाय वाटर वाटर रिमेन इन वाटर बिलो द फ्रोथ, बिलो द फ्रोथ, देखो इतना जल्दी से डन सर, ठीक है बेटा, हो गया इतना, इसके बाद अगर इतना नोट कर लिया सबने, सब लोग एक बार देख लो जल्दी से, अगर किसी करना तो कर लो, किसी को अगर करना है तो कर लो, नहीं तो चले आगे, चले बेटा, अब आप एक हेडिंग डाल दो यहाँ पे, लिखो मेन पैरामीटर्स, मेन पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ फ्लोटेशन, ऑफ ग्रोथ फ्लोटेशन, मेन पैरामीटर्स का मतलब क्या क्या यूज करते हैं हम लोग ग्रोथ फ्लोटेशन के अंदर, ठीक है, उन्हें भी जरा एक बार देख लेते हैं, मेन पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है, बड़े सिंपल, लिखो तो मेन पैरामीटर आवाज आ रही सबको, यस सर, चलो लिखो सबसे पहले हेडिंग डालो फ्रोथर्स, क्या यूज करते हैं हम लोग, फ्रोथर्स का मतलब जो फ्रोथ को जनरेट करता है वो हम लोग क्या क्या लेते हैं, ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या लेते हैं पाइन का ऑयल, ठीक है, पाइन ऑयल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखो ऑयल, बताओ भाई ऑयल की डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, पानी से ज्यादा कि पानी से कम, कम पानी से कम, पानी से कम होनी चाहिए, ठीक है, तो लिखो ऑयल शुड बी, ऑयल शुड बी लेस डेंस देन देन वाटर, ठीक है, यहां फिर H2O, ठीक है, फिर हेडिंग डालो कलेक्टर्स,
कलेक्टर्स, ठीक है ना। कलेक्टर्स का मतलब, कलेक्टर्स का क्या काम होता बता सकता कोई? स्टेबलाइज करना है बेटा, स्टेबलाइज करना। हाँ ठीक है, स्टेबल। हाँ मतलब फ्रोथ को स्टेबल बनाए रखना थोड़ी देर के लिए, मतलब ऐसा नहीं फ्रोथ बना तुरंत एकदम खत्म हो गया, थोड़ा स्टेबलाइज करते रहना, ठीक है। तो देखो क्या यूज करते हम लोग इसमें, हम लोग यूज, ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रोथर्स क्या यूज करते हैं, पोटेशियम ऑयल। कलेक्टर्स क्या होते हैं, पोटेशियम, ठीक है, एथाइल, एथाइल जेंथेट, जेंथेट, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, लिखो, टू टू इनहेंस द नॉन नॉन वेटेबिलिटी, मिनरल पार्टिकल, मिनरल पार्टिकल, ठीक है। ये कलेक्टर्स में आप लिख लेना, उसके बाद आप एक और हेडिंग डाल दो, यार ये, हाँ सॉरी, देखो कलेक्टर्स का मतलब होता है कि आप फ्रोथ को जब कलेक्ट करते हो किसी वेसल में, ठीक है, तो उसके अंदर से उसे मेटल को निकालना होता है, तो उस फ्रोथ को खत्म करने के लिए जो हम लोग एसिड यूज करते हैं वो है बेटा ये, ठीक है, कलेक्टर्स वो है। बाकी अब जो लिखोगे वो तुम्हारा फ्रोथ स्टेबलाइजर हो जाएगा। जनरली क्या यूज करते हैं, एक तो यूज करते हैं हम लोग एनिलीन, एनिलीन यूज करते हैं, और दूसरा हम लोग यूज करते हैं क्रिसॉल, क्रिसॉल। एनिलीन का बेटा किसी को फॉर्मूला पता है, अगर बेंजीन के ऊपर हम क्या करते हैं NH2 लगा दें, किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, तो इसे हम लोग बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर NH2 लगाओ तो क्या बोलेंगे, एनिलीन। ये हो गया अपने पास बेंजीन के ऊपर NH2 यानी कि एनिलीन। और क्रिसॉल का मतलब क्या होता है कि अगर आप बेंजीन के ऊपर पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा दो, ठीक है, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे अगर हम क्या करते हैं OH लगा दें, इसे बोलते हैं क्रिसॉल, ठीक। इतना लिखो, ठीक है। और एक हेडिंग और डाल दो, डिप्रेजेंट, डिप्रेजेंट, ठीक है, कि हम लोग डिप्रेजेंट क्या क्या यूज करेंगे और कब यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले ध्यान रखना डिप्रेजेंट कब यूज करते हैं, लिखो, यूज्ड व्हेन मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर और इज प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि जनरली क्या NaCN और NaNO Na2CO3, ठीक है। इतना लिखो बेटा जल्दी से, सबका हो गया बेटा? यस सर, यस सर। एक सेकंड। हाँ, अगर यहाँ तक सबका हो गया है एक बार सब लोग देख लो फिर से, और उसके बाद हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। अगली फ्रोथ प्रोडक्शन सेकंड थी ना, तो ये हो जाएगी थर्ड हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हेलो नोट बेटा, आवाज आ रही मेरी? यस सर, यस सर। हो गया ना, याद हो गया सबका? यस सर, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। अब इसे हम समझा देते हैं, नोट कल करना, डायग्राम भी आप कल ही बना लेना। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में करते क्या बेसिकली, कि यहां से हम क्या करते हैं ओर को डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। ओर क्या करेगी, यहां पे आके ऐसे डाले पड़ेगी,
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन बेटा सिर्फ उन्हीं ओर्स के लिए यूज कर सकते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, जिनके अंदर क्या हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो। समझ में आई मेरी बात? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हम लोग कब यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ तब जब हम लोग ऐसी ओर को उठाएं जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओर को इनके अंदर डालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कभी आप लोग चक्की देखी जहाँ पे आटा वगैरह पीसा जाता है, देखिए उसमें क्या होता है, इसी टाइप के दो चक्के ऐसे रोलर लगे होते हैं, दो रोलर लगे होते हैं और इनके एक बेल्ट चढ़ी होती है इनके ऊपर, ऐसे कस के घूमती है। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे दो रोलर के ऊपर एक बेल्ट चढ़ाते हैं और इसे घुमाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहाँ से ओर डालते हैं। अब ये ओर किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। अब इसके अंदर अगर ऐसा मेटल है जिसके अंदर मैग्नेटिक सेपरेशन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो वो करेगा क्या, तो हम इसमें से एक ये वाला जो रोलर है इसे हम कैसे करेंगे, मैग्नेटिक रोलर, मतलब ये मैग्नेट का बना हुआ है या फिर इसके अंदर मैग्नेट प्रेजेंट है। घर पे चक्की है, अरे वाह, तो उससे होगा क्या, देखो उससे होगा बेटा ये कि जो तुम्हारे पास मेटल होगा वो यहाँ पे चिपका रहेगा, चिपका 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 ऐसे आके यहाँ पे गिरेगा आके, क्योंकि यहाँ इधर जब जाएगा तो इधर तो सर, मैग्नेट आपकी मैग्नेट है नहीं, तो वॉइस नहीं मैग्नेट आ रही है। अभी आ रही है, देखो अभी आ रही है मेरी वॉइस। यस सर, अब आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, जब इस पे ऐसे मेटल है जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो जब तक मेटल, ये गोल चक्का कैसा मैग्नेट वाला है ना, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, अब इसके आगे यहाँ पे तो मैग्नेट है नहीं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे सब आके ऐसे गिर जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक मेटल जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, या फिर इम्प्योरिटी भी मेटेलिक हो सकती है, कोई भी ओर के अंदर कुछ भी मेटेलिक हो सकता है, या तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओर की हो सकती, सॉरी गैंग पार्टिकल की हो सकती है, या तो मेटल हो सकती है, और जो इम्प्योरिटी होगी वो यहाँ पे आके ऐसे गिरती रहेगी, खत्म बात। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। फिर से एक बार समझो, हमने क्या करा, ओर यहाँ से डाली। अब ओर के अंदर दो चीजें हैं, या तो आपका जो मेटल प्रेजेंट है वो कैसा हो, वो आपका मैग्नेटिक हो, या तो जो आपके अंदर जो उसके अंदर गैंग पार्टिकल है वो कैसा हो, वो मैग्नेटिक हो। तो अगर मान लो मेटल मैग्नेटिक है तो होगा क्या, ये वाला पार्टिकल, ये वाला जो चक्का है कैसा है, ये मैग्नेटिक है, तो वो जो मेटल है वो इस पर चिपका रहेगा, चिपका 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 चिपका, यहाँ पे आके क्यों गिरने लगा, क्योंकि बेटा जब इधर जाओगे तो इधर तो ये बेल्ट थोड़ा ना मैग्नेटिक है, यहीं तक था, यहीं तक उस पर चिपका रहा, बाकी आगे जाके ये छूट जाएगा, जैसे जाके यहाँ पे मेटल गिर जाएगा, और जो इम्प्योरिटी होगी वो तो नॉन मेटेलिक होगी, तो वो यहीं पे आके ऐसे गिरती रहेगी। तो हमने क्या करा, मैं ओर को और इम्प्योरिटी को अलग अलग कर दिया, बस इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। समझ में आया कि नहीं बेटा? यस ठीक है, सिंपल सा है, तो तुम लोग चाहो तो डायग्राम बेटा इसका बना दो। ठीक है, डायग्राम बना लो हेडिंग डाल के, और बाकी इसका जो भी आगे का है वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, उसका जल्दी से डायग्राम बना ले हम लोग सब लोग, और जो लेबलिंग है वो बहुत अच्छे से करना। ठीक है, करो जल्दी से डायग्राम बनाओ और लेबलिंग करो उसकी, फिर जितना भी है इसका हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। बन गया बेटा डायग्राम, बड़ा हो गया आप लोगों का, जिनका हो गया अच्छी बात है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे आराम से बैठ के ठीक से बना लेना अच्छे से। ठीक है, बाकी यहीं पे रोकते हैं, अपने नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू। सिर्फ दो क्लास बची है, दो क्लास में ये दोनों अपने, ये मतलब दोनों लेक्चर होकर चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और जैसे चैप्टर फिनिश होगा हम लोग बस जितने भी चैप्टर अभी तक हुए उनके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सर कल भी आपकी क्लास है? अभी तो मुझे नहीं पता कल है कि नहीं, बट आई थिंक इस वीक में एक बार और पड़ेगी। ठीक है, ओके प्रतिभा, चलो ठीक है बेटा, दीक्षा बाय बाय। ठीक है, सबका हो गया ना, सबका हो गया कि नहीं हो गया? बाय ठीक है, थैंक यू गायत्री, ओके बाय बाय बेटा, सर। गुड नाइट प्रतिभा, बाय 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 बाय, चलो ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, गायत्री बाय बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल, टाटा।